तो अब हम बात करने वाले हैं जो 6 नंबर पे हमारा एंट्रेंस एग्जाम आएगा वीआईटी ट्रिपल ई, मतलब कि वीआईटी वेल्लोर के बारे में। वीआईटी वेल्लोर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड बॉडी है। इसका एंट्रेंस एग्जाम का भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप अगर चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, देखो क्या है ना कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग तभी अप्लाई करिएगा जब आप वीआईटी का फीस पे कर पाओ, है ना। वीआईटी की फीस ऐसा नहीं है, हाँ एक यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी है, जिनके पास मतलब पैसा बहुत ज़्यादा है, फीस मतलब वो उनका फीस उनके लिए मैटर नहीं करती है, उनके लिए बजट मैटर नहीं करता है, उनको एक अच्छा सा एक स्टेटस वाला कॉलेज चाहिए तो देन आप वीआईटी में जा सकते हो। बिकॉज वीआईटी में क्या है ना, अगर आपकी कम रैंक भी हुई, अगर 1 लाख के अंदर हुई, तो देन आप वीआईटी में एडमिशन ले सकते हो मेन कैंपस में, मतलब कि वेल्लोर और चेन्नई की एलिजिबिलिटी है। भोपाल और अमरावती का सीन अलग है, बिकॉज वो दोनों यूजीसी अप्रूव्ड है। अब यहाँ पर वीआईटी वेल्लोर का जो सिलेबस है आप देख सकते हो, 24 मई को जो है इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट एक्सपेक्टेड आ चुका है। अभी इनके एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप सिलेबस देखना चाह रहे हो तो सिलेबस देख सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ का जो सिनेरियो रहता है वीआईटी का, तो वीआईटी में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी स्कोरिंग होनी चाहिए ना 10,000 के अंदर आनी चाहिए, अगर आपको 1,98,000 वाले फी स्ट्रक्चर में अगर आपको कॉलेज चाहिए तो। उनमें से अगर आपको सीएस चाहिए तो फिर 5,000 के अंदर आना चाहिए, 8,000 के अंदर आना चाहिए, क्योंकि सीएस में इनके पास ब्रांचेस तो काफ़ी सारी हैं। यहाँ पर हम कोर ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको जिस पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उस पे सबसे पहले वीडियो लाएंगे। और बेसिकली हम वीआईटी वेल्लोर पे, अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं ना, तो वीआईटी वेल्लोर पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं यार, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, तो आई बटन पे, आई बार बटन है वहाँ पे आ रहा होगा, तो आप जाके उसको भी देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ था, आई होप कि आपको उसमें इतना डेप्थ रिसर्च में मतलब इन टर्म्स ऑफ एफिलेशन, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वीआईटी कंप्लीट हो गया, देन अब हम बात करेंगे मणिपाल की। अगर आप मणिपाल के बारे में बात करना चाह रहे हो तो देन मणिपाल में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बस बेसिकली आपका बजट होना चाहिए। तो मणिपाल का हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि मणिपाल की सिलेबस क्या है। यहाँ पर मणिपाल का देखो यार क्या है ना कि कोई भी अगर मणिपाल आप जाना चाह रहे हो तो नो डाउट आप जा सकते हो। इनके दो कैंपस हैं, एक आपका कर्नाटका में है, एक आपका जयपुर में है। अब जो मणिपाल के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, जो जयपुर वाला कैंपस है वो यूजीसी अप्रूव्ड है, और जो कर्नाटका में है वो आपका डीम्ड बॉडी है, मतलब कि जैसे वीआईटी और वीआईटी का जो मेन कैंपस है चेन्नई और सॉरी वेल्लोर और चेन्नई, तो ये दोनों डीम्ड में काउंट किए जाते हैं। जो वेल्लोर कैंपस है वो मेन कैंपस है, डीम्ड बॉडी है, चेन्नई ऑफ कैंपस है उसका, और बाकी जो दोनों हैं भोपाल और अमरावती यूजीसी अप्रूव्ड है। इस पर डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। अब हम मणिपाल के यहाँ पर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस उसको आप देख सकते हो। इसका टोटल 200 मार्क्स का पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम आता है, सिलेबस पैटर्न मैंने दे रखा है। डिटेल्ड में अगर चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन पर एक मैंने पीडीएफ दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अलर्ट, एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, अगर आपको एग्ज़ाम के अलर्ट चाहिए कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन सा नहीं अप्लाई करना चाहिए, और ये कब आने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम मिस हो जाते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे या नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। 7th नंबर पे जो हमारा एट्थ नंबर पे एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा, जो यहाँ पर फिलहाल 7th है, बिकॉज वीआईटी को मैंने बीच में ऐड करके रखा हुआ, बिकॉज वीआईटी और थापर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है बहुत बार, लेकिन थापर वहाँ पर बेटर होता है। जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम है एसआरएम जेई, तो यार एसआरएम केटीआर कैंपस बहुत तगड़ा है, केटीआर का और जो है वीआईटी चेन्नई का हमेशा से कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन यार एसआरएम का जो एलुमनाई नेटवर्क है बहुत अच्छा है, बीटेक को लेकर बिल्कुल भी कम नहीं, और इसकी हाईएस्ट पैकेज इस बार वीआईटी वेल्लोर के टक्कर की गई है, मतलब कि पैरेलल ही रहे। वीआईटी वर्सेस एसआरएम भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर चेक कर लो। हमारा जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम है कॉमेट के, अगर आप कर्नाटका के कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको कर्नाटका में जो कॉमेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है
आपको उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। वहाँ के प्राइवेट कॉलेज काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, एमएस रमैया है, बीएमएस है, दयानंद सागर है, नीति मीनाक्षी है। तो ये कॉलेज का जो मतलब एक स्टैंडर्ड है। अब नॉर्थ इंडिया में अगर इधर की बात करोगे तो इधर का जेपी हो गया, जेएसएस नोएडा हो गया, आईपीयू दिल्ली के कॉलेज हो गए, और उधर के ये प्राइवेट कॉलेज हो गए। मतलब दोनों में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है एक तरीके से। तो ये भी यार अभी इसका भी काउंसलिंग जस्ट कुछ दिन पहले ही एंड हुआ है, कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो गया था प्राइवेट कॉलेज में। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा वगैरह भी है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। सबका सेपरेट फीस स्ट्रक्चर होता है। तो कॉमेड के का जो सिलेबस है वो मैंने दे रखा है, तो अगर आप इसको चाहो तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यार कॉमेड के किस सिचुएशन में आपको अप्लाई करना चाहिए? कॉमेड के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने प्लान किया है कि हमको एक किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, देखो कॉमेड के अगर आप किसी भी कॉलेज में चले आते हो, अगर वो टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर भी आता है, अगर आपने सीएसआईटी या ईसी में से कोई भी ब्रांच ले लिया, तो देन वो आपके लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। वो बेनिफिशियल क्यों रहेगा? बिकॉज बैंगलोर देखो एक आईटी सेक्टर है, वहाँ पे यार देखो बहुत सारी कंपनीज हैं, हब है, तो वहाँ पे आपको प्लेसमेंट को लेकर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होती है। तो अगर आप कॉमेड के लिए प्लान कर रहे हो तो देखो एक पहले से एक रूट मैप डिज़ाइन करो। आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है तो किस प्राइवेट में लेना है अभी से, बिकॉज उस टाइम मत प्लान करना जब आपका जेई निकल जाए। देखो नो डाउट आप जेई दो, बिकॉज जेई के यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कॉमेड के में जैसे अगर आप आरवी टारगेट करना चाह रहे हो, अगर आप प्लान कर रहे हो कि सर मुझे आरवी में जाना है, बिकॉज आरवी का भी एक अपने आप में स्टैंडर्ड है कॉलेज का, टॉप 100 एनरप के अंदर भी आता है, एमएस रमैया है कॉलेज कैंपस उनका बहुत अच्छा है, तो अगर आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम अप्लाई करना चाह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम पैटर्न यार 60 सीट्स हैं, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के, तो टोटल 180 क्वेश्चन हो जाएंगे, और देन आपको 180 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 आवर का टाइम रहता है यहाँ पे। इसके बाद यूपीएस देहरादून यार, अगर आप को यार देखो पैसा कमाना है, अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी लेनी है ना, तो देन यूपीएस चले जाना। अगर आप फीस पे करना चाह रहे हो एक अच्छा अमाउंट, अगर आपका एक अच्छा बजट है, तो मैं बोलूँगा कि इंडिया में देखो एक ही कॉलेज है जो कि प्राइवेट बॉडी है और वहाँ पे पेट्रोलियम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर माना जाता है। अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी इनके फॉर्म चल रहे हैं, ये जेई के भी आप पे भी एडमिशन लेते हैं और इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो अभी आप जेई अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेपरेट फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप फॉर्म भी इनका अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस मैंने दे रखा है, ऑलमोस्ट सिलेबस देखो सब में कॉमन है, जेई वगैरह देखो सब में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तो देखो वही सिलेबस है, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन भी आपको थोड़ा सा मिलेगा, और करंट अफेयर भी यहाँ पे थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखो 50 मार्क्स का मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 50-50 के रहेंगे इस तरीके से एक, और अभी तो फिलहाल टोटल 10 हो चुके हैं, लेकिन 10th नंबर पे मैंने यहाँ पर KIT तो को दे रखा है, जो हमारा कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, KIIT भुवनेश्वर। तो देखो अगर आप ओडिशा से बिलोंग करते हो, वहाँ पर अगर अपने नियर अबाउट कॉलेज देख रहे हो तो यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ का यार जो रिसर्च लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, और ये मतलब एक स्टैंडर्ड वाला कॉलेज है। फीस तो यार बहुत ज़्यादा है नो डाउट। तो यार देखो जितने भी प्राइवेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है लगभग 5 हैं, है ना, और 5 आपके गवर्नमेंट थे, है ना, तो लगभग आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, तो गवर्नमेंट में देखो यार कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल भी हो चुके हैं, जैसे कि हमारा यूपी में UPSEE का जो UP2 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका है, जेई के भी आप पर होगा। MMET गोरखपुर का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देना है जेई के एग्ज़ाम, तो अभी आप जेई स्टार्टिंग पे हो। तो अगर आपको कितना, मैं आप बोलोगे सर मेरे को कितना स्कोरिंग लाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि अभी आपको देखो एक भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी अभी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है, तो देखो अभी नंबर ऑफ चांसेस हैं आपके पास में, और भी अटेम्प्ट हैं, आप उस पर भी जा सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपको रेगुलरली गाइडेंस लाते रहते हैं। अगर आपको किसी भी कॉलेज को लेकर जानना है कि सर कितनी रैंक होनी चाहिए, तो हम उस पर रैंक एग्जैक्ट और एक्यूरेट रैंक बताते हैं, बिकॉज पिछले साल भी हम लोगों ने इंजीनियरिंग की काउंसलिंग की थी, और उसके पहले से भी हम लोग 3-4 सालों से काउंसलिंग करते आ रहे हैं, तो हर एक ईयर का एक्यूरेट डाटा हम लोगों के पास में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।